मित्रों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुजला को जिला बनाने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, इससे आज सुजला सत्याग्रह के द्वारा यहां पर सुजला संगम का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने आप देख रहे हैं हमारा हक सुजला जिला, सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडू, तीनों तरफ से बाइक पर लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सबका संगम होने वाला है। ये देखिए सभी ने इस तरह के जो बैनर अपनी छाती पर लगा रखे हैं। लो जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। ऐसे सुजला पर आपका, मैं शिव कुमार तिवारी, आप सभी का दोस्त। मैं इस समय आपको बता दूं, मैं सुजला तिराहे पर हूं। सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू, तीनों तरफ से लोग यहां पर आने वाले हैं और यहां पर एक संगम होने वाला है, जिसको सुजला संगम नाम दिया गया है। सुजला सत्याग्रह के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं जहां पकड़ा हूं पीछे से, सुजानगढ़ से लोग आने वाले हैं बाइक लेकर। इधर आप देख रहे हैं, ये सुजला कॉलेज का रास्ता है, ये रास्ता लाडनू की तरफ जाने वाला है। इधर से लाडनू से लोग आने वाले हैं और ये रास्ता आप जानते हैं जसवंतगढ़ से आने वाला है। यानी सारे लोगों का जो सुजला को जिला बनाना चाहते हैं, ये आंदोलन का रूप, ये आंदोलन लगभग एक महीने होने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 17 तारीख के बाद में ये आंदोलन लगातार चल रहा है, जिसमें सुजला या सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग चल रही है। पहले एक सप्ताह तक हाईवे को जाम रखा गया था, राजस्थान सरकार तक आवाज पहुंची, उसके बाद में एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया और लोगों को कहा गया कि इस आंदोलन को आप हाईवे से हटाकर शहर के अंदर ले जाएं। एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर गया, वहां पर मुख्यमंत्री के सचिव से मुलाकात हुई, सारी जानकारियां दी गई, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रुझान नहीं मिल रहा है जिससे लगे कि सुजानगढ़ को या सुजला को जिला बनाया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें इस पर मोहर लग सकती है, लेकिन ये काम आसान नहीं है, लोग जानते, इसलिए ये आंदोलन लगातार चल रहा है। और आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग इस तिराहे पर मौजूद है और सभी जोरदार आवाज के साथ एक ही मांग कर रहे हैं, सुजला को जिला बनाया जाए। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए बहुत जोरदार नारेबाजी हो रही है। ये सरकार को कई लोग कह रहे हैं कि ये बात है, वो बात है, एक ही बात है। हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। होश में आओ, होश में आओ राजस्थान सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ राजस्थान सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ राजस्थान सरकार, होश में आओ। हमें सुजला तिराहे का नजारा आप देख रहे हैं, हमें चाहिए सुजला जिला, हमें पीछे आप देख रहे हैं वाहन रैली पहुंचने वाली है, सुजानगढ़ की तरफ से गाड़ियां पहुंच रही है, लाडनू की तरफ से भी आ रही है, यहां संगम होने वाला है, इंतजार करें कुछ ही मिनट में। नहीं किसी से भीख मांगते, जोरदार नारेबाजी हो रही है। मीटिंग करें तो मैं दो दिन, और मैं आपको लिए चलता हूं अभी सुजानगढ़ वाले रास्ते पर, जहां से आप देखेंगे कि गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है। देखिए पुलिस लगातार रास्ते को सुचारू बनाए रखने के लिए यहां पर मौजूद है। ये रास्ता आप देख रहे हैं सुजानगढ़ की तरफ से आ रहा है। मित्रों पुनः आपको बता दूं, मैं सुजला तिराहे का नजारा दिखा रहा हूं, जहां पर संगम होता है जसवंतगढ़, सुजानगढ़ और लाडनू के रास्ते का, और यहां पर सुजला कॉलेज है। अब आप देख रहे हैं पीछे तिरंगे झंडों के साथ में लग दर्जनों दुपहिया वाहन और गाड़ियां पहुंच रही है। एक तरफ लाडनू से लोग आ रहे हैं, जसवंतगढ़ से लोग आ रहे हैं, यानी सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू, सुजला के लोग यहां पर संगम करके एक सत्याग्रह का यहां पर रूप दे रहे हैं। सुजला सत्याग्रह के द्वारा आज ये संगम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं गाड़ियां आ रही है, दुपहिया वाहन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, और लाडनू की तरफ से भी कुछ गाड़ियां जसवंतगढ़ की तरफ से आ रही है, और यहां पर संगम होने वाला है। देखिए ये नजारा, तो
देखिए सुजला महासत्याग्रह तिरंगों के साथ आप देख रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में लोग वाहन दिल्ली पहुंच गई है यहां पर। सुजला तिराई का नजारा आप देख रहे हैं जहां पर यह संगम हो रहा है। ये सुजानगढ़ की तरफ से लोग पहुंचे हैं दुपहिया वाहनों पर। लाखों सुजला अंचल वासियों की चाहिए सुजला जिला। ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, नारेबाजी हो रही है। जोरदार नारेबाजी आप देख रहे हैं। जोरदार नारेबाजी जसवंतगढ़ सुजानगढ़ लाडनू संगम चौराहे पर ही सुजला चौराहे जिसको कहा जाता है। देखिए तिरंगे लहराए जा रहे हैं। यहाँ पर लाडनू जसवंतगढ़ और सुजानगढ़ के सत्याग्रहों का जो है ये संगम हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मित्रों पुनः बता दूं मैं आपको, इस समय सुजानगढ़ जसवंतगढ़ और लाडनू का जहाँ संगम होता है तिराया चौराहे पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र जी हमारे साथ हैं, शिक्षक नेता सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस बुलंद आवाज को अनसुना किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सुजला जिला सुजला अंचल की तमाम जनता का हक है और मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान सरकार के मुखिया माननीय गहलोत साहब को इस मांग पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और इस जिले को स्वीकृत कर सुजानगढ़ की जनता को तोहफा देना चाहिए। यदि इसी तरह से राजस्थान की सरकार इस मांग पर यदि ध्यान नहीं देगी तो राजस्थान सरकार आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। राजस्थान सरकार को चेतावनी दी जा रही है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व विधायक पूर्व मंत्री खेमराम मेघवाल जी हमारे साथ है। खेमराम जी क्या कहेंगे जो सत्याग्रह जो आंदोलन चल रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 17-17 19-19 जिले पड़ने के बाद भी सुजानगढ़ को वंचित रखा गया और हमें उम्मीद थी कि कल कैबिनेट की मीटिंग थी, हो सकता है उसके अंदर ये घोषणा कर दे, लेकिन कल की मीटिंग में भी कोई तरह का उसका जवाब नहीं आया, ना कैबिनेट में इस तरह की कोई चर्चा चली। इसलिए बड़े दुर्भाग्य का ये अवसर है कि हमारे बीच में आज हम सब लोग इस संगम चौराहे पर हम पूरे तीनों तहसीलों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस बात के लिए हुए हैं कि हमारा सुजला जिला बने, उसके लिए सारे संघर्ष करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें सभी पार्टियों के लोग इन्वॉल्वमेंट है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिस ढंग से ये सत्याग्रह
जिस ढंग से हम सब लोग कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो इस बात के लिए है कि सुजला जिला बने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए सुनील स्वामी जी मेरे साथ है, मेरे साथी, आप देख रहे हैं लाडनू की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं यहां पर लाडनू के लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग इसमें किया है और अब ये मोहर लग चुकी है कि लाडनू जसवंतगढ़ सुजानगढ़ चाहता है। ये देखिए ये सारे लोग अभी अभी देख रहे हैं आप पहुंचे हैं, लाडनू से पहुंचे हैं, आइए सभी आइए, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संगम यहां हो चुका है, जसवंतगढ़ के लोग यज्ञ दाइमा के साथ आए हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं सारे लोग जो है लाडनू से पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, लगातार लगभग एक महीना आंदोलन को रहा है, गवर्नमेंट क्यों अनसुना कर रही है आवाज को? कहने के लिए हमारे पास में क्या, हम आंदोलनरत लोग हैं और आंदोलन कर रहे हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है हम आंदोलन करते रहेंगे। जी जी, कितने लोग पहुंचे लाडनू से? लाडनू से हम चार गाड़ियों में आए हैं, चार गाड़ियों में आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या अब रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि सरकार के कानों में आवाज पहुंचे, क्योंकि अनसुना किया जा रहा है लगातार? देखो, सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू तहसील की सर्व समाज की आम जनता को आगे आकर सरकार को जगाने के लिए अब कुछ बड़ा आंदोलन करना चाहिए, जिससे कि सरकार हमारी मांग को स्वीकार करे। और लोग भी काफ़ी परेशान, काफ़ी मजबूर हैं, सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू के यहाँ लोग काफ़ी उपस्थित हुए हैं और ये सुजला माँ संगम है जो शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित किया जा रहा है। और हमारी आपके जरिए, मीडिया के जरिए, सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि हमारी परीक्षा ना ले और हमें सुजले की सौगा दे, अन्यथा जनता को मजबूर होकर बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं, चेतावनी दी जा रही है कि हमारी परीक्षा नहीं ले जाए, हम चेतावनी देते हैं कि बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत जो एक सप्ताह तक हुई थी वो बड़ी जबरदस्त हुई थी, लगातार हाईवे जाम रहे थे, 5-5 किलोमीटर लंबी कतारें हाईवे पर लग चुकी थी, छापर, सुजानगढ़, लाडनू जो चौराहा है वहां पर, और आज भी आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद है, हालांकि रास्ते को नहीं रोका गया है, रास्ता बहाल है, रास्ता खुला हुआ है, गाड़ियां निकल रही है, फिर भी इधर आप देख रहे हैं जिस रास्ते पे सुजानगढ़ से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वहां पर आप देख रहे हैं जोरदार नारेबाजी हो रही है, लाडनू के लोग भी गाड़ियों में पहुंचे हैं, जसवंतगढ़ से भी लोग पहुंचे हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियां लगातार रास्ते से निकल रही है। लेकिन निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र में 7-8 जिले की घोषणा में माना जा रहा है सुजानगढ़ सबसे प्रबल दावेदार है, 19 जिलों की घोषणा में सुजानगढ़ को अनदेखा किया गया, ये लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और आंदोलन को एक महीना लगभग होने जा रहा है 5-7 दिनों में, फिर भी अभी तक ऐसा कोई रुझान नहीं मिल रहा है कि अन्य जिलों की घोषणा होने वाली है। हालांकि रामलुभाया कमेटी के एक रिपोर्ट में, भास्कर में भी छपा था कि 10 जिले और बनाने की मंशा राजस्थान सरकार की है, लेकिन उसके ऊपर कोई दूसरी न्यूज आई नहीं है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर, ये बहुत सारे लोग हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और जबरदस्त आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। एक का नजर आप देख रहे हैं, चार रास्ते मिलते हैं, एक तो कोल्हे से आता है, एक लाडनू से, एक जसवंतगढ़ से, एक सुजानगढ़ से आता है, और देखिए ये सारे लोग यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में गर्मी की परवाह नहीं करते हुए ये लोग यहाँ पर आए, आप देख रहे हैं। वो ये है कि यदि सरकार कल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के दिन, कृपया सब लोग एक रोड से इधर लंबाई में सब लोग देखिए एक साथ खड़े, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, यदि राजस्थान सरकार कल सुजला जिले की घोषणा नहीं करती है, वाहन लगातार निकल रहे हैं, जान से सुनिए सब लोग, जान से सभी लोग सुनिए, यदि सरकार कल जिले की घोषणा नहीं करती है तो पूरे सुजलांचल के लोग एक साथ मिलकर के 51वें जिले सुजला जिले की मांग के साथ सुजला जिला बनाए भूख हड़ताल शुरू करेंगे। ये देखिए ये घोषणा की गई है, 51 जिला सुजानगढ़ 51 लोगों के द्वारा भूख हड़ताल की घोषणा की गई है। ये देखिए सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू तीनों क्षेत्र के लोग यहां पर मौजूद हैं। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं, हमारा हक मांगते देखिए बहुत बड़ी संख्या में वाहन यहाँ पर खड़े हैं। एक बार सब लोग, जो भाई भी आए हुए, सबसे निवेदन है एक बार पास आ जाइए साहब, जो भाई भी सुजला जिले के संदर्भ में आए हुए एक बार पास आ जाओ साहब, सबसे निवेदन है सब भाई एक बार एक साथ। विजय शोरा ने घोषणा की है कि कल
तक मांग नहीं मानी गई तो 51 लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आप सुन रहे हैं, यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं विजय चौहान कि कल अगर सुजला जिले की घोषणा नहीं की गई, 51 लोग मिलकर यदि कि ये घोषणा बार बार रिपीट की जा रही है, राजस्थान सरकार ने सुजला जिले की घोषणा नहीं की तो 16 तारीख को यह प्रस्ताव है जिसे हम सबको मिलकर सुन लिया जाए। 16 तारीख को देखिए कुछ लड़कियां भी यहाँ पर पहुंची, एक बहन सुमित्रा सेन हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो किस रूप में यहाँ पर अपनी भूमिका अदा कर रही है? अगर महिलाएं नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा कि सुजला जिला सबको चाहिए, और जो हमारा गौरव है, जो खोया हुआ गौरव है वो हमें वापस चाहिए। उसके लिए आज सब लोग यहाँ पे वाहन रैली के रूप में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे जसवंतगढ़, लाड़नू, सुजानगढ़ सभी क्षेत्र से सैकड़ों में वाहन आए हैं और अपना आक्रोश लोगों को बता रहे हैं कि हमारे अंदर कितना आक्रोश भरा हुआ है। सभी आक्रोशित हैं। अब मैं आपको पुनः बता दूं, मैं इस समय तिराई का नजारा दिखा रहा हूं, जहां पर अब ये घोषणा कर दी गई है कि अगर अब मांग को नहीं माना गया तो 51 लोगों के द्वारा भूख हड़ताल शुरू की जा रही है। आज मैंने आपको ये कार्यक्रम दिखाया सुजला तिराई पर, जहां पर सुजला संगम यहां पर किया गया। बहुत सारे लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, परिचय देके अपनी बात कहें। मेरा नाम हरीश मेहरा, एडवोकेट लाड़नू से हूँ, लोरसर ग्राम में। देखिए ये कई दिनों से हमारा मांग है, फिर भी सरकार हमारी मांग को सुनवाई अनसुनी कर रही है, हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। बार बार मानव श्रृंखला, जन आंदोलन, महा आंदोलन सुजला अंचल के क्षेत्र वासियों द्वारा बार बार आंदोलन किया जा रहा है, सरकार हमारी अनसुनी कर रही है। तो निश्चित रूप से सरकार को आने वाले समय में हम वोट की चोट से बताएंगे कि हमारे क्षेत्रियों का क्या कसूर है जो हमें जिले से वंचित कर रहे हो। तमाम भौगोलिक परिस्थितियां, तमाम प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुसार हमारा सुजला जिला तमाम तरह की अनंत योग्यताएं वो पूरी करता है, फिर भी सरकार हमारी अनसुनाई कर रही है। सरकार से देखिए एक नजारा दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इधर, ये देखिए कमलेश्वर भारती जी महाराज भी पहुंचे, संतों का सानिध्य बिंब है। महाराज जी प्रणाम करते हैं आपको, कितनी जायज मानते हैं इस मांग को आप? जायज क्या है, जनता की मांग है जो पूर्ति इसको पूरा करना चाहिए, ये जनता की मांग है। अब यहाँ नागौर के सारे चोरू कब जावे, कोई भी काम है सरकार का काम है तो आदमी सारा दिन चक्कर लगाते रहो, तो उसको वाजिब मांग है उसको पूरा करना चाहिए। संक्षिप्त शब्द में कहा है वाजिब मांग है इसको पूरा करना चाहिए। कमलेश्वर भारती जी महाराज जो यहाँ पर पबला पीठाधीश्वर है, वो भी कह रहे हैं कि लोग कितने चक्कर लगाएंगे, यहाँ से बार बार चूरू कहाँ तक जाएंगे, इसलिए ये वाजिब मांग है इसको पूरी करनी चाहिए। देखते हैं सरकार कभी स्वाजी मांग को मांगती है। आंदोलन पूरे चरम पर आज भी नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे पत्रकार भाइयों से निवेदन है, अगले 5 मिनट आपके लिए फ्री है, आप लोग सबकी बाइक ले लो। मैं इस समय सुजानगढ़ के सदर थाने का सामने का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जिला संघर्ष समिति जो है, जो जनित संघर्ष मोर्चा है, उसके सदस्य पदाधिकारी आज यहाँ पर गिरफ्तारी देने वाले हैं। जिला बनाने की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, जिसके लगभग 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं जा रहा, आश्वासन मिल रहे हैं। एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया, उसकी बात सुनी गई, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे लग रहा है कि सुजला को जिला बनाया जा सकता है। आंदोलन तेज हो रहा है, आज आपने देखा तिराई पर संगम किया गया, एक संगम महारैली निकाली गई, और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस थाना सदर के सामने गिरफ्तारियां दी जा रही है। Yeah.
ये आज ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जल्द इस हमारे सुजला क्षेत्र को जिले की घोषणा चाहिए। आपका साथ हमेशा सारे कर्मचारी समुदाय का आपके साथ इस जिले की लड़ाई में एक जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया था जिसमें सुजला अंचल के और जनहित संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में गिरफ्तारियां देकर के आज राजस्थान सरकार से मांग की है और आक्रोश व्यक्त करते हैं कि सुजानगढ़ की जनता जेल जाने से भी नहीं डरती, लाठी गोली खाने से भी नहीं डर रही है। शीघ्र से शीघ्र सुजला को जिला घोषित किया जाए, इसके लिए सुजला की जो जनता है, सुजानगढ़ की जो जनता है एकदम तैयार है। ये बस स्टैंड से लगा करके हमने बाईपास रैली निकाल करके उपखंड कार्यालय तक आए और उपखंड कार्यालय के अंदर ये हमने आज गिरफ्तारियां दी।